बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं दमालांजीपुरा में हूँ और आज 18 मार्च को यहाँ पे जो वली मोहम्मद इत्तू की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है और यहाँ पे जो उस वक्त की रियासती साबिक वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके साथ अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, नासिर असलम वानी, इमरान नबी डार, अब्दुल मजीद भट और सकीना इतू यहाँ पे मौजूद हैं और खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं वो यहाँ पे वली मोहम्मद इत्तू को उनकी 27वीं बरसी पे। आइए देखते हैं ये वीडियो और लोगों का कितना हजूम है, इस वीडियो में देखते हैं। मुझे सिखाने के लिए अगर मुझसे कहीं गलती हो
तो मुझे उस गलती का एहसास दिलाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि जितना ज्यादा मेरे लिए आसान रहा है क्योंकि वालिद साहब का सहारा रहा, उतना ही मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल हो रहा होगा सकीना के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर किया जाए, यहाँ के आवाम से दूर किया जाए, लेकिन नहीं माने। कहा जो विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक रिश्ता मुझे दिया गया है, मैं बढ़ते दम तक उस रिश्ते के साथ बनी रहूंगी। बड़ी मामले यत्तू साहब के पीछे भी पड़े, ब्रीफ केस क्या अटैची के अटैची लेके, अगर यत्तू साहब ने उस पर कहा होता कि हाँ जी फारूक साहब के साथ जो हुआ वो आईन के मुताबिक हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन बड़ी मामले यत्तू साहब वो शख्स नहीं थे, वो ईमान पे कायम रहे, मजबूती में है, जिसका सबूत आप लोगों ने दिखाया। हाल ही में डीडीसी के इलेक्शन हुए, हमने कोई कंप्लेन नहीं किया, न मैं निकला ना फारूक साहब निकले, ना हमारे सीनियर साथी निकले। हमने कहा हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, लोग फैसला करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन को एक साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस एक साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चले कि 2021 में फिलहाल इलेक्शन नहीं है। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खराज अकीदत पेश करने का था, और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। यही दो मकसद लेके मैं यहाँ आया हूँ। इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, कब होते हैं ये दूसरों को फैसला करना पड़ेगा, वो कर ले, मुझे उससे कोई लेना नहीं। एक बहुत ही अच्छी बात है, जब ये खबर पहले अखबार में आई हमने इसका खैर मकदम किया। हम हमेशा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्तों के हक में रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि गोलाबारी बर्बादी जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, अगर कुछ हासिल होगा तो दोस्ती से होगा और एक एक अमन के माहौल में हासिल होगा। एक बार फिर सीज़ फायर को दोबारा चालू किया गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे माहौल और ज़्यादा साजगार बने और हमारे जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ खुलेआम